आज मेरे किचन में बन रहा है एक बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग शरबत, जो कि बॉडी को अंदर से ठंडक देता है और साथ ही डाइजेशन भी अच्छा करता है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये बॉडी में वाटर रिटेंशन कम करता है, बीपी को रेगुलेट करता है, हमारा ब्लड प्योरीफाई करता है, आईसाइट के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, और इसको सही तरीके से लेने से पेट भी नहीं बढ़ने वाला। तो गाइज, ये है गुजरात का फेमस वरियाली शरबत, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है सौंफ। अगर आपने आज से पहले इसे कभी नहीं ट्राई किया है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएं। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सौंफ और 2 हरी इलायची। इसे हमें ग्राइंड करना है। अब इस मिक्सचर को एक बोल में डाल लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 2 कप पानी। अब इसे ढककर रख देंगे और इसे कम से कम 8 घंटे या फिर ओवरनाइट सोक करके रखें। अब 8 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए, इसका कलर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी खांड। आप इसकी जगह गुड़ या फिर धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं। इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज हम अपने मील प्लान्स में भी देते हैं, ताकि खाते पीते वेट लॉस हो जाए। इसका फ्लेवर और एनहांस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते। तो सर्विंग ग्लास में मैं ले रही हूँ ये मिंट लीव्स, थोड़ी सी आइस, और अब इस पे डालेंगे ये रिफ्रेशिंग शरबत। ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना, पीने में भी उतना ही टेस्टी है। तो गाइज, इसे ट्राई जरूर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट।